ओम शांति। आज 25 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को एक गुहे राज की बात बताई। कई बार कुछ आत्माएं धन से सहयोग करती हैं और अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होती हैं कि हमने ईश्वरीय कार्य में इतना सहयोग किया तो हम अवश्य ही माला का मणका बनेंगे। लेकिन बाबा ने हमें ये राज बतलाया है कि केवल धन के सहयोग से माला के नज़दीक नहीं आ सकते। जब तक सच्चे योगी नहीं बनते, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता और सेवा नहीं करते, तो जितना जितना हम सच्चे योगी बनते हैं उतना ही हम माला के नज़दीक, माला में पिरोने के लायक बन सकते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। ब्राह्मण जीवन का श्वास यानी जीवन ही हमारा सेवा है। अगर हमारे जीवन में सेवा न हो तो फिर खाली खाली लगेगा, मूर्छित हो जाएंगे और माया भी हम पर वार करने लगेगी, क्योंकि जब व्यक्ति खाली होता है तो उसके सामने भिन्न भिन्न रूप से माया आ जाती है और वो उसे आकर्षित कर लेती है। लेकिन जब हम सेवा में बिजी रहते हैं तो माया आती तो है लेकिन थक जाती है और फिर हार भी जाती है। इसीलिए हमें पक्का सेवाधारी बनना है तो निरंतर सेवाधारी बनना होगा, यानी कि केवल एक दो घंटे सेवा नहीं करनी है, घंटों से अपनी सेवा को नहीं गिनना है, लेकिन हमारी दृष्टि भी सेवा करे, अर्थात जिसे भी हम देखें हमारी दृष्टि के द्वारा भी उसे कोई शक्ति का अनुभव हो, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस हो। हमारी वृत्ति भी सेवा कर सकती है। जब हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, बेहद की कल्याण की भावना रखते हैं, तो हमारी ये वृत्ति वायुमंडल को, प्रदूषित वायुमंडल को साफ कर देती है, हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करती है और साथ ही साथ हमारी कृति, अर्थात केवल वो काम जो हम सेवा कहते हैं वही नहीं, लेकिन चलते फिरते साधारण एक्टिविटी, हमारे कर्म दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, दूसरों के अंदर ये आश पैदा कर सकते हैं कि वे भी ईश्वरीय सेवा करके अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करें, हमारे कर्म गुण दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें सच्चा और पक्का सेवाधारी बनना है जिसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति निरंतर सेवा करती रहे। ओम शांति।